मेरे को यहाँ पे डेजर्ट बायोम में छोड़ दिया गया है, जहाँ पे चारों तरफ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान और रेगिस्तान, जहाँ पे चारों तरफ बालू और बालू ही होने वाला है, एक सिंगल ट्री भी नहीं होने वाला है जिसके मदद से मैं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बना सकता हूँ। क्या होगा अगर आप लोगों को भी एक ऐसा प्लेस पे छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे आप लोग? तो यहीं से ही मेरा स्टार्ट होने वाला है अगला जर्नी, यानी कि 100 डेज जर्नी, जो मेरे को पूरा कम्प्लीटली पूरा करना है इस डेजर्ट आइलैंड के अंदर, जहाँ पे मेरा रहने वाला है कुछ गोल, यानी कि एक प्यारा सा क्यूट सा डेजर्ट का घर बनाना, फुल एंशिएंट डायमंड आर्मर को क्राफ्ट करना एंड साथ ही साथ पागल एंडर ड्रैगन को खत्म करके उसका एक को चुरा के लेके आना। तो इन सारे के सारे चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मैं जा रहा हूँ सर्वाइव करने पूरे के पूरे 100 डेज विद माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन अ पॉकेट एडिशन। तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग के साथ मेरा यहाँ पे पहला दिन स्टार्ट हो जाता है और रिसर्च के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। भाई क्या ही बताए, कुछ भी नहीं होता है साले। यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान और रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है ढंग का। क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक पेड़ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फटक से इस सूखा हुआ पेड़ को गाइस तोड़ लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को स्टिक मिलेगा, जितना भी मिलेगा भाई ओपी। इसलिए गाइस जितना हो सकता है मैंने फटक से तोड़ लिया। उसके बाद गाइज मैंने सोचा उस बड़ा सा माउंटेन के ऊपर चलते हैं, उससे वहां से मेरे को कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा अगल बगल क्या है। तो यहाँ पे मैंने फटक से इस माउंटेन के ऊपर आ जाता हूँ, आते ही मेरे को यहाँ पे गाइज एक विलेज दिख जाता है भाई, बहुत ही ज्यादा ओपी। सबसे पहले मैं दौड़ के यहाँ पे विलेज के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा हैवेल्स था एंड देखता हूँ गाइज अगल बगल घर है भाई है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है ऊपर में एक क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा हैवेल था जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात था एंड यहाँ पे मैंने फटक से ढेर सारा हैवेल को तोड़ लिया है, क्योंकि इससे मैं बेड बना सकता हूँ एंड खा सकता हूँ भाई, रात गुजार सकता हूँ इस रेगिस्तान के अंदर। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल मिल जाता है, मैं क्राफ्टिंग टेबल को ओपन करके सबसे पहले मैंने ब्रेड को बना लिया, क्योंकि ब्रेड से गाइज भूख मिट जाएगा एंड सच बताओ गाइज ब्रेड बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। उसके बाद मैंने फटक से यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल को चुरा लिया, क्योंकि ये एक बहुत ही काम का चीज है एंड ब्रेड को भी चुरा लिया, क्योंकि चुराऊंगा नहीं तो क्राफ्ट कैसे करूंगा, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था। तो विलेज के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को ढेर सारा हैवेल वगैरह मिल जाता है, तो मैं देर मत करता हूँ फटक फटक से जितना भी ओपी ओपी आइटम था यहाँ पे, जितना भी विलेज के अंदर सामान था सबको मैं लूट कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये सब सामान। उसके बाद गाइस रात भी हो रहा था, यहाँ पे मैंने देखा शुगर केन भी उग गया है, तो मैंने यहाँ पे फटक से शुगर केन को तोड़ देता हूँ, तोड़ के फिर से मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा मेरे को शुगर केन मिल जाएगा। इसको और भी ज़्यादा प्लांट करता करता जाऊँगा तो मेरे को ढेर सारा शुगर केन मिल जाएगा। उसके बाद गाइस रात का टाइम था, मैंने बेड प्लेस किया और सो गया, ऐसे ही पहला दिन चला गया। नेक्स्ट दिन गाइज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिक्स लिया एंड आयरन गुलाम को यहाँ पे मार के मैं भाग के चला गया आयरन को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे दौड़ के आ गया, थोड़ा सा ऊंचाई पे आ गया एंड फटक से जो काम भाई मेहनत वाली काम, यानी कि आयरन गुलाम को पीटना एंड आयरन छीन के ले लेना। फाइनली यहाँ पे मेरे को आयरन मिल जाता है, आयरन मिलने के बाद ही सबसे पहले एक पिकेक्स एंड एक शॉर्ट को बना लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा माइनिंग वगैरह कर लेता हूँ एंड मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है एंड लेपिस लेजुली मिल जाता है एंड कॉयल वगैरह मिल जाता है। उसके बाद गाइस देखते देखते रात भी हो जाता है, मैं बेड को प्लेस करता हूँ एंड सो जाता हूँ बस। उसके बाद गाइज नेक्स्ट दिन मैंने एक्सप्लोर करने के लिए निकल ही रहा था एंड तभी मेरे को यहाँ पे दो पेड़ दिख जाता है, भाई क्या ही किस्मत था इस आइलैंड के अंदर। फटक से गाइज मैं पेड़ के पास में चला जाता हूँ एंड चल के जितना भी पेड़ था सबको तोड़ने के बाद गाइज यहाँ पे मेरे को ढेर सारा जंगल बायोम दिख जाता है, भाई क्या ही किस्मत। किस्मत इस वर्ल्ड के अंदर मेरा बहुत ही ज्यादा साथ था। तो दौड़ के मैं आ गया, आने के बाद जितना भी पेड़ था यहाँ पे मैंने देखा भाई काम का चीज है। उसके बाद गाइज मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करना चाहता था, क्योंकि देखना चाहता था क्या है क्या नहीं है। तभी मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा केव दिख जाता है, भाई डर सा भी लग रहा था भैंस की आंख, यहाँ पे बहुत कुछ मॉन्स्टर वगैरह रहेगा जो मेरे को तो गाइज बहुत ही बुरा वाला फोड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है भाई, चेस्ट नहीं है, पैंट नहीं है, बूट नहीं है, तो मेरे को भाई बहुत ही बुरा वाला होएगा गाइज। इससे बढ़िया गाइज मैं ऊपर ऊपर से देख लो गाइज, ठीक है।
यहाँ पे ढेर सारा जॉम्बी वगैरह था तो मैंने रहन दिया अभी के लिए, बाद में आऊंगा जब मेरे पास सामान हो जाएगा। उसके बाद गाइज मैं चला गया और भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, एंड तभी मेरे को एक विलेजर्स आउटपुट दिख जाता है। भाई क्या ही किस्मत, किस्मत देखो भाई किस्मत। उसके बाद गाइज मैंने रहन दिया क्योंकि यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे को पेल देगा, कुछ फायदा नहीं होगा अभी जाने का। एंड तभी मैं यहाँ से भाग के चला गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई भी सामान नहीं मिलेगा। सूरज भी ढल रहा था भाई, क्या ही बताए। तभी मेरे को यहाँ पे एक भाई डेजर्ट टेम्पल दिख जाता है, क्या ही बताए। डेजर्ट टेम्पल के साथ यहाँ पे स्टील लावा, भाई क्या ही किस्मत था इस वर्ल्ड के अंदर सच्ची में। डेजर्ट टेम्पल के अंदर जाते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे जितना भी TNT वगैरह था सबको मैंने फोड़ दिया, क्योंकि ये अगर इसको नहीं फोड़ूंगा तो गाइज मेरे को फोड़ देगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फोड़ दिया एंड हर एक चेस्ट को ओपन करके देखा क्या है। जितना भी लूट था सबको मैंने यहाँ पे लूट लिया एंड मेरे को 2 डायमंड भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जो बाकी बहुत ही ओपी था मेरे लिए। तो सबसे पहले ले लिया फटक फटक से जितना भी सामान जरूरी सामान था। वहां से निकलने के बाद मेरे को और एक जो है डेजर्ट टेम्पल दिख जाता है, भाई किस्मत। मैं दौड़ के यहाँ पे आ जाता हूँ, आने के बाद जितना भी सामान था मैंने खोल के देखा और मेरा इन्वेंटरी बहुत ही ज्यादा फुल हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं लूटा। और वापस आके गाइस यहाँ पे मैं सो गया क्योंकि रात भी हो गया था गाइस, क्या ही बताए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन का पिकेक्स बनाया क्योंकि अभी टाइम है गाइस माइनिंग करने का। तो यहाँ पे स्टोन का पिकेक्स बनाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खाना वगैरह बना लेता हूँ क्योंकि केप के अंदर गाइस अगर माइनिंग करते करते थक जाऊंगा ढेर सारा खाना वगैरह लगेगा ही, तो बना लिया फटक से। उसके बाद गाइस प्रॉपरली एक प्लेस बना के मैंने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ से ही मेरे को अगला माइनिंग करना है, तो कर लिया। माइनिंग करते करते मेरे को यहाँ पे दिख जाता है एक बड़ा सा केप, बहुत ही डरावना एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, यहाँ पे मैंने टॉर्च प्लेस करके उजाला ही उजाला कर दिया एंड यहाँ पे एक मक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था भाई, उसको मैं फटके से मैंने मार दिया। माइनिंग करते करते जितना भी मेरे को सामान वगैरह आयरन वगैरह मिला था सबको स्मेल्ट करने के बाद मैंने प्रॉपरली आयरन का हर एक चीज़ मैंने बना लिया। यहाँ पे देख सकते हो आयरन का पूरा सेटअप मैंने बना लिया है एंड अभी भाई लग रहा है माइनक्राफ्ट का कोई प्रो प्लेयर। आप लोग कमेंट कर देना एंड लाइक भी कर देना, अभी तोड़फोड़ होगा। उसके बाद गाइज मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को नीचे जाना है एंड बहुत ही ज़्यादा चीज़ चुरा के लेके आना है। एंड अभी टाइम है गाइज जॉम्बी फाइट का, पहला जॉम्बी फाइट, यहाँ से मेरा पहला जॉम्बी फाइट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा जॉम्बी था गाइज, ढेर सारा। माइनिंग करते करते मेरे को यहाँ पे ढेर सारा आयरन, ढेर सारा गाइस यहाँ पे रेडस्टोन, ढेर सारा गाइस यहाँ पे डायमंड, ढेर सारा यहाँ पे मेरे को गोल्ड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। माइनिंग को ख़त्म करने के बाद मैं ऊपर आते ही मैं फटक से 2-3 फर्नेस को बना लेता हूँ एंड उसको प्लेस कर देता हूँ क्योंकि अभी टाइम है गाइस आइटम को स्मेल्ट करने का। जितना भी आइटम मेरे पास था सबको मैंने स्मेल्ट करने के लिए दे दिया। उसके बाद मैंने फटक से 2-3 सवाल को बना लिया आयरन का क्योंकि अभी टाइम है गाइस खेती बाड़ी करने का। तो यहाँ से मैंने खोदना यानी कि सैंड को हटाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सैंड को हटा के मेरे को प्रॉपरली एक प्लेस मिल जाएगा एंड उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे खेती बाड़ी करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा क्योंकि गाइस सैंड में तो गाइस जो है खेती बाड़ी तो नहीं होगा ना। तो खाना खा के मैंने हाथ धो के लग गया काम पे। उसके बाद मेरे को चाहिए था ढेर सारा डार्ट, तो यहाँ पे मैंने डार्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि डार्ट से ही गाइस खेतीबाड़ी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सैंड को तो मैंने हटा दिया पूरा। उसके बाद गाइस अभी टाइम है गाइस डार्ट को प्लेस करने का एंड डार्ट को तोड़ के लेके जाऊंगा तभी तो प्लेस होगा। उसके बाद गाइस डार्ट को लेके यहाँ पे मैंने प्लांट करना स्टार्ट कर दिया प्लेस करना क्योंकि इसके ऊपर ही मेरे को खेतीबाड़ी करना है। पूरा प्रॉपरली क्लियर कर दिया है मैंने यहाँ पे मेहनत करने के बाद, तो यहाँ पे डार्ट वगैरह लगेगा ही लगेगा, तो डार्ट से ही गाइस खेतीबाड़ी होगा। तो यहाँ पे मैंने डार्ट लगाने के बाद फाइनली मैंने फुल्ली वर्क करने के बाद यहाँ पे मैंने सीड वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जितना भी मेरे पास विलेज को लूट के जितना भी सामान वगैरह मिला था, कैरेट वगैरह मिला था, सबको मैंने यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। जितना भी ओपी ओपी सामान मिला था यानी कि खेतीबाड़ी करने के लिए एंड जितना भी शुगर कीम मेरे पास था सबको यहाँ पे प्लांट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इससे ही मेरे को अनलिमिटेड शुगर कीम वगैरह सब कुछ वगैरह मिलेगा ना भाई, उससे ही तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ना, बुक वगैरह बना सकता हूँ। तो यहाँ पे प्लान करना स्टार्ट कर दिया।
एंड फाइनली यहाँ पे मैंने बना लिया है डायमंड का पूरा सेटअप। डायमंड का जितना भी चेस्ट वगैरह, पैंट वगैरह, बूट वगैरह, सब कुछ, जितना भी ओपी टूल, सब कुछ, शॉर्ट से लेके सब कुछ मैंने बना लिया, पिकेक्स वगैरह सब कुछ। उसके बाद मैंने चला गया ढेर सारा सामान को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी लगने वाला है बहुत सारा सामान, तो अलग अलग बायोम में जाके मेरे को कलेक्ट करना है सारे के सारे। चलते चलते मेरे को यहाँ पे दिख जाता है एक जंगल बायोम, यानी कि बैम्बू बायोम, जहाँ पे मेरे को ढेर सारा बैम्बू तो मिल जाएगा, साथ साथ मेरे को और भी बहुत कुछ आइटम मिलेगा, जैसा कि यहाँ का पेड़ वगैरह, यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा बैम्बू वगैरह को कलेक्ट कर लेता हूँ फटक फटक से। उसके बाद यहाँ का पेड़ जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो इसको भी मैं फटक फटक से कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जितना भी मेरे को यहाँ से ऊट मिलेगा, ऊट से गई सैपलिंग वगैरह, पेड़ को तोड़ूंगा तो सैपलिंग मिलेगा, सब कुछ मैं फटक फटक से कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मिलता है टेस्टी टेस्टी वाटरमेलन, तो यहाँ पे जितना भी वाटरमेलन था, मैंने टेस्टी टेस्टी वाटरमेलन था सबको कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यह इसको खाने के बाद गाइस अलग ही फील आता है एक। तो यहाँ पे जितना भी वाटरमेलन था सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे दिख जाता है ऑक पेड़, जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ फटक से, क्योंकि इसका सैपलिंग मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे ही मेरे को मिलेगा ढेर सारा एप्पल, एंड एप्पल से गोल्डन एप्पल बना सकता हूँ। एंड चलते चलते मेरे को यहाँ पे दिख जाता है एक टाइगर बायोम, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, एंड डार्क वाला वुड मिलेगा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक चीज़ बनाऊँगा। तो फटक फटक से यहाँ पे जितना भी पेड़ था सबको तोड़ लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को ढेर सारा सैपलिंग मिलेगा, एंड सैपलिंग को प्लेस करके पेड़ उगा सकता हूँ। उसके बाद घर आते ही मैंने सबसे पहले जितना भी मेरे को सैपलिंग मिला था सबको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इससे भाई ढेर सारा पेड़ वगैरह उगेगा ना, तो सैपलिंग को प्लेस करना ज़रूरी है। तो जितना भी मेरे पास सैपलिंग वगैरह था सबको मैंने यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, जितना भी मेरे पास था। उसके बाद मेरे पास जितना भी बैम्बू था सबको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को ढेर सारा बैम्बू मिलेगा, क्योंकि बैम्बू उगेगा तभी तो मेरे को ढेर सारा बैम्बू मिलेगा। तो यहाँ पे ढेर सारा बैम्बू को मैं प्लेस कर देता हूँ फटक से। यहाँ पे फसल भी उग गया था, उसको भी काट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे जितना भी फसल उगा था सबको मैं काट कर लेता हूँ फटक फटक से। फसल को काट करने के बाद गाइस उसको प्लेस करूंगा तो ही तो फसल उगेगा फिर से। तो यहाँ पे जितना भी फसल था सबको मैं काट कर लेता हूँ। यहाँ पे ढेर सारा शुगर किम भी उग गया था, जिसको काट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही तो अगला शुगर किम उगेगा ना। तो यहाँ पे जितना भी शुगर किम था उसको मैं फटक से काट करके यहाँ पे फिर से मैं प्लान करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे को अनलिमिटेड शुगर किम मिलता जाए। इन सारे के सारे काम को निपटाने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, गाइस मैं तो रह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला, साला एक घर भी नहीं बना पाया अभी तक, तो अभी चलते हैं एक प्यारा सा क्यूट सा नन्ना सा प्यारा सा भाई घर बनाते हैं, घर, चलो लेट्स गो, बनाना स्टार्ट करते हैं। Closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. Could this moment be meant to be?
फाइनली मेरा घर बन के रेडी हो गया है, बाकी बहुत ही ओपी है, लेकिन बाद में इसका टूट वगैरह दूंगा क्योंकि खेती बाड़ी बहुत ही ज्यादा उग गया है जिसको तोड़ना जरूरी है। नहीं तोड़ूंगा तो खाने के लिए क्या रहेगा, तो तोड़ना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बिठाना भी स्टार्ट कर दिया, बिठाऊंगा तभी तो उगेगा एंड तभी तो मैं काट वगैरह कर सकता हूँ एंड खाने के लिए ओपी ओपी आइटम हो जाएगा, यानी कि अनलिमिटेड खाना वगैरह हो जाएगा और मेरा हेल्थ भी नहीं जाएगा। तो गाइस खाने के लिए तो डेली वीक की तरह काम करना है या खेती बाड़ी। एंड मेरे पास जितना भी पोटेटो उग गया था यानी कि तोड़ा था, उसको मैं फाइनेंस के अंदर कुक करने के लिए दे दिया क्योंकि कुक पोटेटो जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा हेल्प को अनलिमिटेड करता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद गाइस मैं निकल पड़ता हूँ लावा को फाइंड करने के लिए क्योंकि मैंने देखा था गाइस जब मेरे को डेजर्ट टेम्पल देखा था वहीं पर ही मैंने स्टील लावा को देखा था तो निकल गया। चलते चलते मेरे को यहाँ पे लावा भी दिख जाता है भाई, बहुत ही ओपी, थोड़ा सा ही पास है लेकिन दिख गया है यहाँ पे ढेर सारा लावा था। उसके बाद मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स को बनाया क्योंकि इसमें पानी लगने वाला है बहुत सारा, ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करना है ना। उसके बाद यहाँ से मैंने पानी ले लिया, पानी लेने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी को क्योंकि डालूंगा तभी तो गाइस यहाँ पे लावा ऑब्सीडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ऑब्सीडियन कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ पे मैंने ऑब्सीडियन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी मेरे को ढेर सारा ऑब्सीडियन चाहिए, ढेर सारा मतलब ढेर सारा ऑब्सीडियन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा ऑब्सीडियन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली यहाँ पे मैं घर वापस आ जाता हूँ। आने के बाद गाइस यहाँ पे मेरा भाई भूख भी लग रहा था, मैं थोड़ा सा खाना भी खा लेता हूँ फटक फटक से। एंड अभी टाइम है गाइस नरक का दरवाज़ा को ओपन करना, यानी कि गाइस मैं बात कर रहा हूँ नेदर पोर्टल के बारे में। तो मेरे को बेसिकली नेदर पोर्टल उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है क्योंकि भैंस की टंग वहाँ पे इतना ज़्यादा मॉन्स्टर रहता है ना गाइस, और मत बोलो मत पूछो गाइस वो जो घास्ट है ना बाद में भाई थूकता है एंड थूकने के बाद गाइस अगर मेरा नेदर पोर्टल डेट हो जाता है कुछ भी हो सकता है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। एंड फाइनली यहाँ पे बन के रेडी हो गया है नरक का दरवाज़ा, यानी कि ओपन हो गया है नेदर पोर्टल। एंड अभी गाइस चलो चलते हैं, कुछ सामान को ले लिया है गाइस। यहाँ पे मैंने गोल्डन एप्पल वगैरह, यहाँ पे जो गोल्डन हेड वगैरह सब कुछ, हेलमेट वगैरह सब कुछ ले लिया है। अभी चलते हैं नरक में एंड तबाही करते हैं। न
नरक में घुसने के बाद ही मैंने सबसे पहले मेरा नेदर पोर्टल को कवर अप किया, क्योंकि घास्ट ने अगर देख लेगा तो तोड़ देगा। जैसे तैसे करके मैंने ऊपर आया नेदर पोर्टल से, छोड़ के नेदर पोर्टल को छोड़ के ऊपर मैंने आ गया, क्योंकि यहाँ पे रेड बायोम था एंड यहाँ पे मेरे को पिगलिन दिख जाएगा। पिगलिन से मैं टेट करके फायर रेजिस्टेंस का पोशन ले सकता हूँ एंड तभी यहाँ पे मेरे ऊपर एक घास्ट ने बहुत ही बुरा वाला डैमेज दे दिया था, यानी कि अटैक कर दिया था। जैसे तैसे करके यहाँ पे मैंने बचा। बांझने के बाद गाइस यहाँ पे पिगलिन बहुत ही ज़्यादा पिगलिन था यहाँ पे एंड उससे मैंने टेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे टेट करूँगा तो गाइस मेरे को फायर रेजिस्टेंस का पोशन मिल जाएगा एंड फायर रेजिस्टेंस का पोशन मिल जाता है तो गाइस मेरे लिए बहुत ही ओपी था, ओपी होगा, क्योंकि मैं जो है फोर्ट्रेस के अंदर जा सकता हूँ। बहुत देरी तक मैंने फायर टेट किया, करने के बाद मेरे को दोनों ने फायर रेजिस्टेंस का पोशन दे दिया, दोनों ने मेरे को दो दो करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को फायर रेजिस्टेंस का पोशन मिल गया था एंड ये भाई साहब मेरे को बहुत ही ओपी ओपी टेट दे रहा था एंड इससे मैंने फिर से टेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर और एक दो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड तभी ये गाइस यहाँ पे अंडरफेल फेंकता है, उसके बाद ही गाइस यहाँ पे फेंक देता है और एक फायर रेजिस्टेंस का पोशन और मेरे पास तीनों फायर रेजिस्टेंस का पोशन हो जाता है, बहुत ही ओपी वाला। एंड चलते चलते मेरे को यहाँ पे फोर्टेस भी दिख जाता है जो ब्लेज से भरा हुआ था, भाई आग फेंकता था एंड तभी ब्लेज ने मेरे ऊपर अटैक कर भी दिया था। ये भाई वीडियो नहीं शूट हो पाया, क्यों पता नहीं, कर रहा था लेकिन नहीं आया, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है गाइस। यहाँ पे ब्लेज ने बहुत ही बुरा वाला मेरे को डैमेज दे दिया था, तब मैंने फायर रेजिस्टेंस का पोशन यूज़ भी नहीं किया था। इन सब से मैंने फाइट करके जैसे तैसे करके यहाँ पे फोर्टेस के अंदर आ गया था, आके छुप गया था। एक मेरा हेल्थ भी बहुत ही बुरा वाला डैमेज हो गया था एंड गाइस यहाँ पे मैंने फायर रेजिस्टेंस का पोशन खाने के बाद मैंने ब्लेज को मारना स्टार्ट कर दिया। ब्लेस को मारने के बाद मेरे पास गाइस जो है फायर रेजिस्टेंस का एपेक्स ख़त्म हो गया था एंड क्या पता नहीं कहाँ पे आके फंस गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को नेदर स्क्वाड भी मिल जाता है बहुत सारा, तो इसको मैं फटक फटक से कलेक्ट कर लेता हूँ एंड सोल सॉइल को भी कलेक्ट कर लेता हूँ फटक से। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक चेज दिख जाता है जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, गोल्ड वगैरह था, लूट लेता हूँ। उसके बाद गाइस मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है, मेरे को यहाँ से निकलना है लेकिन निकलने के लिए रास्ता भी भूल गया भाई, कहाँ से आया, निकलने के लिए कोशिश कर रहा था इधर उधर से। उसके बाद मेरे को चलते चलते एक ग्रीन बायोम दिख जाता है जहाँ पे एंडरमैन को पेलना बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड एंडरपर्ल को पाना तो और भी ज़्यादा आसान है। मैंने यहाँ पे 2x2 का एक प्लेस बना लेता हूँ, क्योंकि एंडरमैन को पेलना बहुत ही ज़्यादा आसान है 2x2 के अंदर, क्योंकि एंडरमैन घुस नहीं सकता एंड एंडरमैन को मार के मेरे को एक्सपी भी मिलेगा, साथ साथ एंडरपर्ल भी मिलेगा, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक्सपी के लिए एंडरपर्ल पाने के लिए तो ये तो कुछ भी नहीं करना तो पड़ेगा ही ना। यहीं पर ही मैंने एंडरमैन को मारना स्टार्ट कर देता हूँ एंड ढेर सारा एक्सपी एंड ढेर सारा एंडर पेल को कलेक्ट करने के लिए मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही मारूँगा तो मेरे को ढेर सारा एंडर पेल एंड एक्सपी मिलता जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेदर स्कॉट को भी मैं थोड़ा सा कलेक्ट कर लेता हूँ, इससे भी एक्सपी मिलेगा एंड जितना भी गोल्ड वगैरह था सबको कलेक्ट कर लेता हूँ फटक से। उसके बाद मेरे को मिल जाता है नेदर पोर्टल मेरा एंड उसको कवर अप करके मैं निकल जाता हूँ मेरा घर की तरफ, क्योंकि बहुत दिन हो गया गाइज मैं मेरा वर्ल्ड के अंदर ओपन वर्ल्ड के अंदर नहीं गया हूँ और बहुत ही याद आ रहा है घर वगैरह का। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ओपन वर्ल्ड के अंदर, तभी रात था, यहाँ पे ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैं दौड़ के गया गाइस एंड गाइस दौड़ के गया जाके सो गया। सोने के बाद उठते ही सबसे पहले मैंने खेती बाड़ी का जितना भी फसल वगैरह उगा था सबको मैंने काट कर लेता हूँ, क्योंकि ये नहीं करूँगा तो मेरे पास खाने का कमी हो जाएगा। तो जितना भी सामान था जितना भी मिला था उसको मैं फिर से प्लेस वगैरह कर देता हूँ उगने के लिए एंड जितना भी यहाँ पे शुगर किम वगैरह था सबको मैं फटक फटक से काट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी चाहिए मेरे को ढेर सारा
सारा पेपर वगैरह जितना भी शुगर केन था सबको कट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास जितना भी वीट था सबको यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे मैं गाय को खिलाने लग जाता हूँ, क्योंकि उसका आबादी बढ़ाना है मेरे को और भी ज़्यादा करना है, एंड उससे मेरे को लेदर भी मिलेगा। जनता बढ़ाना है ना गाइस, जनता बढ़ाने से ही तो कुछ फायदा मिलेगा। ऐसे ही गाइस गाय को खिलाना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ गाइस इनके लिए प्लेस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विलेज का घर तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा विलेजर्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्लान कर देता हूँ उनके लिए अलग सा प्लेस, जो मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ इस विलेज को तोड़ के, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा एक प्लेस बना देता हूँ गाय भैंस को रखने के लिए। एंड फाइनली कड़ी मेहनत के बाद गाइस जाके एक ढंग का प्लेस बनाया हूँ मैं, एंड उसके बाद चलते हैं जितना भी भीड़ वगैरह था सबको खिलाता हूँ, एंड खिलाने के बाद जनता बढ़ाता हूँ, एंड खिलाता हूँ मरता हूँ यही काम कर रहा था, क्योंकि मेरे को ढेर सारा लेदर वगैरह चाहिए गाइस, लेदर के लिए तो करना ही करना है। तो यहाँ पे खिला रहा हूँ एंड गाइस एक एक करके मार रहा हूँ, इससे मेरे को एक्सपी भी मिलेगा, लेदर भी मिलेगा साथ साथ, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओपी हो जाएगा। मेरे को जितना भी लेदर मिल रहा था सबसे मैं फटक से बुक वगैरह बना लेता हूँ। उसके बाद लगे हाथ मैं द एंचेंटमेंट टेबल को भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। द एंचेंटमेंट टेबल मेरा क्राफ्ट हो गया है, अभी तबाही होगा। आगे याद मैंने एक एनविल को भी बना लेता हूँ, क्योंकि जो सामान है यानी कि चेस्ट वगैरह रिपेयर भी करना है। आगे याद मैंने एक ब्लोइंग स्टैंड को भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पोशन वगैरह भी बनाना है। उसके बाद गाइस बुक सेल्फ को भी बना लेता हूँ फटक से, क्योंकि एंचेंटमेंट टेबल को लेवल अप करना है इसीलिए। लगे याद मैंने यहाँ पे एंचेंटमेंट टेबल को प्लेस करके उसके साइड में पूरा बुक सेल्फ को लगा देता हूँ, क्योंकि एंचेंटमेंट टेबल का लेवल अप हो जाएगा, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ओपी हो जाएगा, क्योंकि ओपी आइटम एंचेंट कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पे हो जाता है एंचेंटमेंट टेबल, एंड जितना भी मेरे पास सामान वगैरह था सबको मैं एंचेंट कर लेता हूँ फटक से, क्योंकि ये नहीं करूँगा तो अंडरटेकन के साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो करना जरूरी है गाइस। यहाँ पे जितना भी सामान था मेरे पास, जितना भी चेस्ट वगैरह हथियार वगैरह था सबको मैं यहाँ पे एंचेंट कर लेता हूँ, फुल मैक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे अनमिल को प्लेस करके सारे के सारे सामान को मैं फटक से रिपेयर भी कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लूइंग स्टैंड को प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ पोशन वगैरह बना लेता हूँ, पोशन ऑफ हीलिंग, पोशन ऑफ जो है स्ट्रॉन्ग एज, पोशन ऑफ गाइस यहाँ पे रीजनरेशन, ये सब पोशन लगेगा जब एंडरटेकन के साथ फाइट करने वाला हूँ, तो जल्दी से फटक से मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। आगे याद मैंने यहाँ पे गोल्डन एप्पल को भी बना लेता हूँ, क्योंकि वो भी काम आएगा हेल्थ बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जो सामान में मेरे पास काम भी नहीं था, मैं फटक से जो काम हो रहा था मैं कर रहा था, यहाँ पे लगे हाथ काम भी कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने ब्लेस पाउडर को बना लेता हूँ फटक से, क्योंकि एंडरपल को आई एफ एंडर में कन्वर्ट करने के लिए ब्लेस पाउडर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे फटक से मैं ब्लेस पाउडर को बनाने के बाद गाइस यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंडरपल को, गाइस यहाँ पे एंडरपल को गाइस आई एफ एंडर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड को ओपन करने के लिए एंडरपल बहुत ही ज़्यादा आई एफ एंडर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फुल प्रिपरेशन करने के बाद अभी मैं रेडी हूँ गाइस, रात का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद एंडरटेकन को बहुत ही बुरा वाला पेलने वाला हूँ, एंड जाने वाला हूँ एंड सिटी को आज़ाद करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ सुबह होने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, रात हो जाने देते हैं यानी कि सूरज को ढल जाने देते हैं, उसके बाद गाइस दिन होगा, सूरज उगेगा, मैं जाऊँगा एंडरटेकन को ख़त्म करने। एंड गाइस मैं सोच रहा था एंडरटेकन के साथ जब फाइट करूँ कुछ भी हो सकता है, एंड इतना सारा कुछ बिल्ड वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएगा,
एंड गाइज लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत करके किया था तो लाइक एक कर देना। सोने के बाद गाइज सुबह उठते ही मैं एंडरपेल को आई अप एंडर को फेंकता हूँ एंड वो मेरे को इशारा कर रहा था पीछे जाने का एंड मैं रेडी था पूरा। उसके बाद गाइज एक बहुत ही बुरा वाला सीन हो जाता है, यानी कि मेरा मोबाइल का स्टोरेज उतना ज़्यादा नहीं था एंड स्टोरेज के वजह से गाइज वीडियो नहीं हो पाया, तो वीडियो का जो शूट किया था मैंने डिलीट हो गया। तो कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है गाइज, आप लोग सपोर्ट करो अच्छा से, कोई भी अच्छा चीज़ हो जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे एन सिटी आके एंड अगेन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया था एंड गाइज बहुत मेहनत लगा था, लेकिन गाइज क्या ही करे फ़ोन का दिक्कत हो गया था। कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है, आप लोग सपोर्ट करो एंड तभी एंड अगेन के साथ फाइट करते करते मेरा हालत भी बहुत ही बुरा वाला डैमेज हो गया था, यानी कि एंड अगेन ने जो करना था वो कर दिया था एंड क्या ही बताया गाइज बहुत ही मेहनत किया था, तो यहाँ पे मेरा एंड हो जाता। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब किया था गाइज और लास्ट में आके फ़ोन की वजह से गाइज मैं एंड अगेन को ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा स्टोरेज जो था गाइज फुल हो गया था, लैग वगैरह कर रहा था, तो इसी वजह से मेरा जो है गेम पूरा ही गाइज क्रैश कर रहा था। जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा फाइट किया, लेकिन लास्ट में आके एंड अगेन ने मेरा पूरा हालत ही ख़राब कर दिया एंड क्या ही कर सकता हूँ। आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को एक लाइक करो एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, तो भाई का हेल्प हो जाएगा, थोड़ा सा भाई आगे बढ़ जाएगा एंड अच्छा सा मोबाइल लेके गाइस जो है आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएगा। तो गाइस दिल से कर देना, एक लाइक कर देना, आपका जितना मर्जी है लाइक कर देना एंड चलो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, 100 डेज तो कम्प्लीट नहीं हो पाया एंड वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा था कि वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।